गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग। इट्स मी अनीता सरफराज। तो आप देख रहे हैं अनीता सरफराज यूट्यूब चैनल। तो आज की जो व्लॉग है उसमें मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अपना पूरा घर। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा घर का बाहर से कुछ लुक इस तरह से है। नीचे का पोर्शन इसमें हम रहते हैं, ऊपर का जो पोर्शन है वो हमने रेंट पे दिया हुआ है। मैं नीचे का जो घर है वो कम्प्लीटली ट्रेडिशनल है। नीचे अबू ने अपनी पसंद से बनाई है, वो ताजिकिस्तान और वही कल्चर दोनों का मिक्सचर करके ये घर बनाया गया है। ऊपर का जो घर है वो पंजाब साइड वाले घर की तरह है, लाइक जैसे शहरों में होती है। नीचे का जो पोर्शन है उसमें सारा कुछ जो है ना वो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल है। सारी चीज़ें भी ट्रेडिशनल लगी हुई है, बना भी ट्रेडिशनल स्टाइल में है। तो अभी चलते हैं अंदर और मैं आप लोगों को विज़िट कराती हूँ। तो यहाँ पे है हमारा घर और साथ में ये पूरा जो जगह है ये गार्डन है, और गार्डन की विज़िट आपको करा दिया मैंने। आप अगर वो व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, अनित व्लॉग्स पे मैंने वो अपलोड की है। तो वो है हमारा सारा गार्डन वाला जो साइड, ये सारा पार्किंग एरिया है। यहाँ पे हमारी गाड़ी वगैरह पार्क होते हैं। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये हमारा जो है एक हॉल है, छोटा सा हॉल बनाया गया है। इसका विज़िट मैं आप लोगों को बाद में कराऊँगी, अभी पहले जाते हैं घर की विज़िट करते हैं। जब हम अंदर इंटर होते हैं, अंदर कुछ इस तरह फर्स्ट ये पोर्शन बनाया जाता था जहाँ पे लोग अपने शूज़ उतारते थे, और ये रेक बनाए शूज़ रखने के लिए। और इस साइड पर मैंने अपने नए शूज़ रखे हैं, पुराने ज़माने में यूज़ होता था लेकिन अभी ये शूज़ के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, शूज़ हम बाहर ही उतारते। तो ये है अंदर का व्यू, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा जो घर है ये लकड़ी का बना हुआ है, हर चीज़ इसमें लकड़ी का इस्तेमाल की गई है। इसके जो पिलर्स हैं इनको भी लकड़ी से बनाया गया है, और यहाँ पे जितने भी एम्ब्रॉयडरीज लगी हुई हैं वो सारे के सारे जो है ना वो हैंडमेड। यहाँ से जब आप आगे की तरफ देखते हैं तो ये जो जगह बनी हुई है नीचे की तरफ, ये बैठने की जगह है। यहाँ पे लोग बैठते हैं जब कोई मेहमान आ जाती है घर पे, तो मेहमान आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। इर्द गिर्द बैठने की जगह होती है, और जो बीच वाली जगह है यहाँ पर हम दस्तरखान डालते हैं। और ये जो जगह बनी हुई है ये थोड़ा सा ऊंचा करके बनाया गया है, यहाँ पे बैठने की जगह है, ताकि यहाँ इसके साथ जो है ना लोग टेक लगा सके, टेक लगा के बैठ सके। पहले के ज़माने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी कि लोग इसको ज़्यादा ऊंचा बनाते थे, और ताजिकिस्तान में भी ये ट्रेडिशनल है। इससे अगर आप उधर उस साइड पर देखें, वो जो जगह है वहाँ पर मोस्टली किचन वाला पोर्शन जो है ना वो बिल्कुल फ्रंट पर होती है। यहाँ इस घर के साथ नहीं ही है, क्योंकि हमारा जो किचन है वो सेपरेट है। ये इस साइड वाला जो जगह है ये सोने के लिए होती है। रात को यहाँ पे लोग बिस्तर डालते हैं, जैसे कि अगर फैमिली के मेंबर्स हैं। ये जो जगह मोस्टली ये अम्मी अब्बू के की जगह होती है, और साथ में अगर कोई छोटा बच्चा वगैरह हो तो उनकी बिस्तर उधर डाली जाती है। और बाकी ये वाला जो साइड है, ये पूरा साइड ये बड़ा सा होता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी फैमिली के जितने भी फ़र्द होते हैं वो सारे यहाँ पे सोते हैं इस तरह करके। ये वाली जो पोर्शन है अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मोस्टली मेरे दादा सोया करते थे। मेरे दादा अब्बू को ये वाली जगह बहुत पसंद थी, तो ये वाला जगह मोस्टली उन्हीं का होता था, वो यहाँ पे सोते थे।
और बाकी ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो दरवाजे हैं, खिड़की हैं सब, और ऊपर छत है, ये बिल्कुल सब कुछ जो है ना वो लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये पिलर जो है इनको भी जो है ना हम लोगों ने लकड़ी से बनाया है। अब्बू ने खुद इस चीज़ को डिज़ाइन किया है। पसंद है तो उन्होंने क्या किया है कि उसने सारे जगह पे जो है ना उन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है और पूरा इसको एक ट्रेडिशनल लुक दी हुई है। और वो अंदर अगर आप जाके हम देखें तो वहाँ पे जो है ना एक और कमरा है। अगर आप फ्रंट पे देखें तो फ्रंट पे हमने ये कुशन्स रखी हुई है, ये अम्मी ने खुद बनाए, हाथों से बनाई हुई है। और इनको हमने सामने बिल्कुल फ्रंट पे रखा है क्योंकि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हर कॉर्नर पे हमने जो है ना वो कालीन बिछाया हुआ है क्योंकि यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो ये है कि कालीन लाजमी होना चाहिए। तो नीचे भी हमने कालीन बिछाया हुआ है, वहाँ पे भी हमने कालीन बिछाया हुआ है, इधर भी कालीन है, इस साइड पर भी कालीन है, पूरे घर में हमने कालीन बिछाया हुआ है ताकि इसको पूरा ट्रेडिशनल लुक मिले। तो ये आप देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी से बना हुआ है, फ्रेम पूरा एम्ब्रॉयडरी से बनी हुई है और अंदर हमने अब्बू की पिक्चर लगाई हुई है। इस साइड पर भी बिल्कुल सेम है, एम्ब्रॉयडरी से बना है, बीच में हमने अब्बू की पिक्चर लगाई है। और यहाँ फ्रंट पे अगर आप देखें तो जम्मी अब्बू की फ्रेम लगाई हुई है और साथ में जो है ना आसन का भी है। और वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली की है, दादा है, दादी है, चाचू है, चाची है, अम्मी है, अब्बू है, उन सब की पिक्चर भी लगाई हुई है। साथ में अभी हमने टीवी भी ऐड कर दी है। और इस साइड पर अगर आप देखें तो इस साइड पर जो है ना, इस साइड से हम लोग बाहर का पूरा व्यू चेक कर सकते हैं। दिन के टाइम हम बाहर देख सकते हैं और रात के टाइम में ना बाहर से अंदर देख सकते हैं लेकिन अंदर से बाहर नहीं देख सकते। तो बाहर का बिल्कुल ही प्यारा सा व्यू यहाँ से नज़र आता है। आप जाएं और बाहर देखें तो आपको बिल्कुल ही पहाड़ नज़र आएंगे, सामने बिल्कुल ही पहाड़ हैं, दरख्त हैं और आगे हमारी जो हमसाए हैं वो हैं। सब देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो अलमारी बनाए हुए हैं चीज़ें रखने के लिए। इस साइड पे हमने फ्रेम्स रखी हुई है अब्बू अम्मी और भाई लोगों की। इस साइड में बच्चों के खिलौने वगैरह रखे हुए, ये असन है और ये शनाज है। इस साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे दो फ्रेम मैंने लगाई है, दोनों फ्रेम मुझे गिफ्ट में मिले थे। इसमें ऊपर वाले में मैंने दादा और अपनी पिक्चर लगाई है, नीचे वाली फ्रेम में मैंने अपनी और अब्बू की पिक्चर लगाई है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे सेट की हुई। इससे जो है ना वो पोलो मैच खेलते हैं, ये अब्बू का पोलो सबसे फेवरेट गेम था इसलिए ये हमने रखी हुई है। अब अब्बू के बाद जो है ना वो मेरा जो छोटा भाई है, मतलब बीच का जो भाई है, उसको पोलो खेलना बहुत पसंद है, नवाज को, तो वो खेलता है इसलिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।